नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के 11वें टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क के MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में नेटवर्क के 3 वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट के द्वारा राय दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चंस के बारे में जो कि विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को आखिरी समय तक देखते रहना है और पूरे वीडियो में आपको बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं तथा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संचार नेटवर्क यानी वह कौन सा संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं तथा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों लेन, सेकेंड है वेन, थर्ड है मेन एंड वेन, लेन मेन वेन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लेन की। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें वैश्विक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले नेटवर्क का नाम है दोस्तों वेन। तो वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब ही होता है दोस्तों कि विश्व स्तरीय क्षेत्र नेटवर्क। ये ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों जिसका प्रयोग इंटरकॉन्टिनेंटल या मल्टीपल कंट्रीज मिलकर के इंटरनेशनल लेवल पर इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ऐसा नेटवर्क होता है जिसका उपयोग प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बात करें लेन की, तो लेन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसी कमरे या ऑफिस में क्रिएट किया जाता है जिसमें 10 से 15 कंप्यूटर होते हैं। ये किसी बिल्डिंग या कमरे में क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेन। तो मेन का पूरा नाम होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो होता है दोस्तों ये किसी एरिया या किसी भी शहर में क्रिएट किया जाता है दोस्तों। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है इसकी रेंज 25 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में हम चौथे ऑप्शन वेन की बात करें दोस्तों, तो वेन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है दोस्तों ये जो होता है किसी कंपनी का निजी नेटवर्क होता है जिसका उपयोग उसके कर्मचारी आपस में जानकारियों को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ऐसा नेटवर्क जो वैश्विक स्तर पर प्रयोग किया जाता है वेन कहलाता है। तो दोस्तों लेन मेन एंड वेन एंड VPN वेन ये जो होते हैं दोस्तों ये सभी नेटवर्क के जियोग्राफिकल आधार पर टाइप होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लेन वेन एंड मेन जो होते हैं ये जियोग्राफिकल या साइज के आधार पर प्रकार होते हैं, और वेन जो होता है दोस्तों ये स्पेशल पर्पस पर होता है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा निकनेट की। तो निकनेट क्या है, तो दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम, और डी है भारत के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप कभी जन सुनवाई के कार्यक्रम में गए होंगे जो मंगलवार को होता है दोस्तों प्रत्येक जिले में। जैसे मैं बात करूँ अपने बालाघाट जिले की, तो यहाँ पर हर मंगलवार को और शुक्रवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है जिसमें आप जो है ऑनलाइन अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं बात करूंगा निकनेट की, तो उसकी जो साइट होती है दोस्तों वो निकनेट लिखा होता है उसके लास्ट में, मतलब वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर होता है जिसके अंतर्गत जिले पूरे देश के सभी जिलों को आपस में एक नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है, और शिकायतों का एक पंजीकरण नंबर होता है जिसे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के द्वारा सुलझाया जाता है। तो दोस्तों ये एक भारत के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी व्याख्या की। तो निकनेट का पूरा नाम होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ता है, मतलब कि सभी जिलों की जानकारी को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, मतलब कि बड़ा लॉन्ग यानी बड़ा, हॉल यानी कि क्षेत्र, नेटवर्क किसे कहा जाता है, बड़ा क्षेत्र का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ज्योग्राफिकल आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लेन मेन एंड वेन, एंड अकॉर्डिंग टू साइज
वी नोटिस दैट लेन इज़ वेरी स्मॉल नेटवर्क, मेन इज़ मॉडरेट टाइप नेटवर्क एंड वेन इज़ वेरी वाइडली नेटवर्क। मतलब कि लेन का आकार सबसे छोटा होता है, मेन का आकार मध्यम स्तर का होता है और वेन का आकार सबसे बड़ा होता है। तो लेन जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक कमरे में स्थापित किया जाता है, जिसकी रेंज जो होती है दोस्तों 1-2 किलोमीटर होती है या एक कमरे में होती है। मेन जो होता है दोस्तों, ये मध्यम आकार का नेटवर्क होता है, ये किसी शहर में स्टेब्लिश किया जाता है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। और वेन की बात करें दोस्तों, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो इंटरकॉन्टिनेंटल और मल्टीपल कंट्रीज के द्वारा यूज होता है। तो दोस्तों लॉन्ग हॉल नेटवर्क जो है वो वेन को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे व्याख्या की, तो दोस्तों व्याख्या में दिया हुआ है वेन वाइड एरिया नेटवर्क एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, इसीलिए इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों अर्पानेट की, जो कि इस टाइप से लिखा होता है अर्पानेट। अर्पानेट जो है दोस्तों, ये पहला विश्व का सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था। तो मैं आपको कभी बताऊंगा डिटेल में दोस्तों सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग ये क्या होती है। तो अभी आपको ये सुनना है कि अर्पानेट जो है वो विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था, जिसे अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाया था दोस्तों, जो कि वहाँ के सैनिकों के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे इसके चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अर्पानेट है विश्व का पहला वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, विश्व का एशिया का पहला वेन यानी कि एशिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क, भारत का पहला वेन यानी भारत का पहला वाइड एरिया नेटवर्क, और डी है विश्व का पहला लेन, विश्व का पहला लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अर्पानेट जो है वो विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क था, मतलब कि उसका स्तर जो है विश्व में था और वो वाइड लेवल पर यूज किया गया था, मतलब कि विश्व का पहला विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला वाइड एरिया नेटवर्क था। दोस्तों इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। अर्पानेट का जो पूरा नाम है, ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल घोट डालना है, रट डालना है। तो दोस्तों मैं आपको रटने और घोटने के ऊपर बढ़ावा नहीं दूंगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को रटाते हैं, याद करवाते हैं, लेकिन मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिनसे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सेटल होते जाएगी। तो मैं बात करता हूं दोस्तों अर्पानेट की, तो अर्पानेट का पूरा नाम होता है, यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क था, जिसे अमेरिका के रक्षा विभाग ने डेवलप किया था। इसके बाद में मैं पाँचवें क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्यों? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ISDN क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ISDN का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम इंटेग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ये विभिन्न तांबे के तारों से बना हुआ नेटवर्क होता है दोस्तों, जिसमें डिजिटल नेटवर्क या डिजिटल सिग्नल को आसानी से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ISDN में हमको मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया दोस्तों कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटेग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मतलब इसमें डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है और कंप्यूटर भी डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो डेटा को एनालॉग में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मॉडेम का प्रयोग क्यों होगा दोस्तों? आपको पता है कि मॉडेम का प्रयोग सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में बदलने के लिए किया जाता है। अब इसका पूरा नाम होता है इंटेग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी ये डिजिटल रूप में ही डेटा को सेंड करता है, तो फिर डेटा को मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, वो भी देखना जरूरी है। इसमें कंप्यूटर को नहीं जोड़ा जा सकता, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग होता है, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद में इसका सी ऑप्शन है दोस्तों, इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है, मतलब कि डेटा इसमें ट्रांसफर हो सकता है, ये भी नहीं है दोस्तों। और लास्ट है, इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या था आपको, इसमें पूछा था आपको कि ISDN में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती? तो क्योंकि इसमें डेटा का स्थानांतरण डिजिटल रूप में होता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके व्याख्या की, तो ISDN का पूरा नाम इंटेग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, में टेलीफोन में डेटा संचारण डिजिटल रूप में होता है, तो इसमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं, तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन पे। तो छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जिन पे माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो भी 5th जनरेशन और 4th जनरेशन के बाद के कंप्यूटर है दोस्तों, उनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्यों नहीं पड़ती है? तो पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन, सॉरी दोस्तों,
थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, मतलब कि जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज हो रही है, उनको अगर आपको टेलीफोन से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो पहला है वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब होता है दोस्तों मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या होता है? मॉनिटर। तो मॉनिटर से आप टेलीफोन लाइन को जोड़ोगे क्या? टेलीफोन को कंप्यूटर से नहीं जोड़ोगे। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों मॉडेम। तो मॉडेम से जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है और टेलीफोन से एनालॉग सिग्नल जाते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। और यूनिक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यूनिक्स जो होता है दोस्तों ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है। और सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ती है क्योंकि मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। इसके बाद में इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या जो है दोस्तों कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो काय में कनेक्ट किए जा सकते हैं? सर्वर में। तो सर्वर में कैसे कनेक्ट किए जाएंगे दोस्तों? सर्वर तो खुद ही एक मेन कंप्यूटर होता है जो अपने नेटवर्क में जुड़े बाकी कंप्यूटरों को विभिन्न सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें सेकेंड है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब ये होता है श्रेष्ठ कंप्यूटर, मतलब श्रेष्ठ संगणक जो कि उच्च क्षमता के होते हैं, जो कि बहुत ही अधिक तेजी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक सेकंड में खरबों गणनाएं कर सकते हैं। और बात करें हम नेटवर्क की दोस्तों, तो नेटवर्क में कई पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। और नोड जो होता है दोस्तों वो किसी भी नेटवर्क का एक बोलना चाहिए आइसोलेटेड या सिंगल नोड या डिवाइस को नोड कहा जाता है। तो दोस्तों नेटवर्क में पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या पे जाएंगे दोस्तों। तो व्याख्या है अनेक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सिम के बारे में। तो सिम का पूरा स्वरूप है, पूरा स्वरूप यानी फुल फॉर्म एब्रीवेशन। तो हम बात करेंगे दोस्तों सिम के फुल फॉर्म की, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो ये सही आंसर है दोस्तों। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि जो आपका यूजर होता है उसकी जानकारी से रिलेटेड उसके परिचय का मॉड्यूल होता है। दूसरा है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, तो सिम कार्ड आपका मशीन नहीं होता। इसके बाद में सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, तो वो स्वयं की आइडेंटिटी मशीन भी नहीं होता और सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल भी नहीं होता। इसका मतलब सिम कार्ड जो होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दसवें क्वेश्चन की। दसवां क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, ये RAS की एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। तो आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा, और दोस्तों कला मॉड्यूलेशन और कोण मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, दूरदर्शन प्रसारण को इंग्लिश में बोलते हैं टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों दूरदर्शन का प्रसारण। तो मैंने आपको बताया दोस्तों जो हम FM सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, मतलब कि उसमें तरंगों की आवृत्ति को मॉड्यूलेट करके सिग्नलों को प्रसारित किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो हो गया आपका दूरदर्शन रेडियो संचारण। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन की, तो वो होता है इंटरनेट संचार में, और जो आपका दूरदर्शन संचार होता है दोस्तों वो होता है आपका आयाम मॉड्यूलेशन में। मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। तो आपका जो आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है दोस्तों वो दूरदर्शन प्रसारण में यूज होता है, और जो आपका फेस मॉड्यूलेशन होता है वो इंटरनेट में होता है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो आकाशवाणी केंद्रों से विभिन्न प्रकार के समाचारों और विभिन्न संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन इट मीन्स ये क्या है दोस्तों आपका फेस मॉड्यूलेशन बोले तो इंटरनेट का संचार, और अगर आपका बोला दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब टेलीविजन संचार, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला तो रेडियो का संचार। बिल्कुल रट लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंने आपको वाईमैक्स का फुल फॉर्म बताया है दोस्तों लास्ट वीडियो में। वाईमैक्स का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है दोस्तों। तो वाईमैक्स का यूज बहुत अधिक मात्रा में हॉटस्पॉट, लंबी दूरी के लिए वाईफाई सिग्नल, वायरलेस के माध्यम से इंटरनेट सेवा को मल्टीपल यूजर्स के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है। तो वाईमैक्स किससे संबंधित है? सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले ऑप्शन की जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी।
तीसरा दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी, मतलब कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में संचार टेक्नोलॉजी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों वाईमैक्स जो होता है वो होता है आपका संचार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता है ये विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक बनाने की विधियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो होती है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न सैटेलाइट का कैसे निर्माण करना है और उनको कैसे मैनेज करना है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो होती है दोस्तों, ये मिसाइल से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातों को बताती है, जैसे कि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है, आपको पता है। और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, उसमें वाईमैक्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 12 क्वेश्चन, तो बिना देरी किए 12 क्वेश्चन देखते हैं। आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं वर्चुअल शब्द की, तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, और नेटवर्क का मतलब होता है संजाल। तो दोस्तों आभासी निजी नेटवर्क जो होता है ये किसी संस्था का ऐसा नेटवर्क होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने की सुविधा देता है और उनकी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की भी सुविधा देता है। लेकिन हम यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है, सही बात है, जिसमें दूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। तो ये उतना एक्यूरेट नहीं है दोस्तों, प्रेषित भी कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ यानी कि उसके सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, तो ये राइट आंसर है दोस्तों। थर्ड है, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडारण में प्रवेश पा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी उतना एक्यूरेट नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम विचार करेंगे ब्लूटूथ उपकरण, मतलब ब्लूटूथ डिवाइसेस, जैसे कि मैं एयरफोन लगाता हूं दोस्तों, आप मेरे फेस वाले वीडियो में देख सकते हैं मेरे कंधे पे एक एयरफोन रहता है, तो वो एयरफोन एक ब्लूटूथ उपकरण होता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों तार रहित फ़ोन यानी कार्डलेस फ़ोन की, तो दोस्तों कार्डलेस फ़ोन भी होते हैं जो कि बहुत सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसके बाद में सूक्ष्म तरंग ओवन यानी माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है दोस्तों ये किसी वाईफाई उपकरणों के द्वारा निकलने वाली तरंगे होती है, और वाईफाई जो उपकरण होते हैं दोस्तों ये वाईफाई तरंगों से चलते हैं, जैसे कि आप जो है अपने मोबाइल का वाईफाई या हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पे आपको विचार करना है, तो इनमें से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं, मतलब इनमें से कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनको हम 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, यानी ये चारों उपकरण जो है ये 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी पर हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि द डिवाइसेस आर ब्लूटूथ एंड कार्डलेस फोन एंड माइक्रोवेव ओवन एंड वाईफाई डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड, द फ्रीक्वेंसी द लाइज बिटवीन 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है जो 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं ये सारे उपकरण। तो इस तरह दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएंगे, कंप्यूटर का जाल नेटवर्किंग करना, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना यानी नेटवर्किंग करना क्या होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है। नेटवर्किंग से खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी होती है क्या दोस्तों? यस होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जैसे हम नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो बीच में जो तार लगे होते हैं उन तारों के द्वारा क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो लॉस भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक डेमो देता हूं दोस्तों, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, जैसे आपने खड़ूस मूवी देखी होगी दोस्तों, तो उसमें जो मतलब उसकी जो हीरोइन होती है उसके जो पिताजी होते हैं, जब उसकी बेटी ओलंपिक खेलने जाती है तो वो क्या करता है कि टीवी चैनल का जो केबल होता है उसे काट करके वहाँ पे अपने घर की टीवी को जोड़ देता है और वहाँ से दोस्तों उस सिग्नल को चुरा करके वो घर में अपने डिश टीवी को देखता है। आपने मूवी देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो देख लेना दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी हो गई, मतलब कि जो टीवी केबल का नेटवर्क है वो तो केबल वाला तो पैसे से नेटवर्क बांट रहा है ना, लेकिन कई लोग तो केबल की चोरी करके मतलब अपना डेटा को चोरी करके अपने घर में टीवी चला रहे हैं, इस टाइप से भी होता है दोस्तों। इस तरह फिर दूसरा होता है कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, मतलब कंप्यूटर की भी उसमें उपयोगिता बढ़ती है। इसके बाद में सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा एक्सेस किया जा सकता है। नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा दोस्तों इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा और उपरोक्त सभी, तो दोस्तों कंप्यूटर की नेटवर्किंग करने से ये उपरोक्त सभी में बढ़ोतरी होती है।
तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं दोस्तों, बैकबोन संबंधित है। तो मैंने आपको बताया हूं दोस्तों, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैक मतलब पीछे और बोन का मतलब होता है हड्डी, तो पीछे की हड्डी। तो पीछे कौन सी हड्डी होती है आपको पता है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी, जो कि हमारी मस्तिष्क के मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। अगर किसी की बैकबोन में दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करता और बोलते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा सरक गया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे बैकबोन की। तो बैकबोन जो होती है दोस्तों, वो हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर को हमारा बैकबोन कहा जाता है। अगर हमारा चरित्र खराब हो जाए तो हम किसी काम के नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी नेटवर्क की बैकबोन खराब हो जाए तो वो नेटवर्क फैल हो जाता है। तो यहाँ बैकबोन किससे संबंधित है, हम बात करते हैं दोस्तों अब कंप्यूटर नेटवर्क की। तो बैकबोन में बात करूंगा मैं हार्डवेयर की। तो बैकबोन संबंधित है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से और इंटरनेट से। तो इंटरनेट से रिलेटेड है दोस्तों नेटवर्क में बैकबोन। तो बैकबोन जो होता है दोस्तों, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन का बैकबोन कहा जाता है। मतलब कि अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होगी, तो इंटरनेट को बैकबोन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नया टॉपिक आया है आपके पास, साइबर क्राइम। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग मोबाइल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों के मोबाइल पे मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जोड़ दिए गए हैं, कृपया कर इस लिंक पे क्लिक करें। तो ऐसे लिंक से बचे रहे दोस्तों। और साइबर क्राइम का मतलब होता है इंटरनेट पर किसी को भी परेशान करना, उसकी कॉपी करना, उसके बारे में अभद्र कमेंट करना। तो दोस्तों साइबर क्राइम से बचे रहे, ना किसी को चोट पहुंचाए, ना खुद को पहुंचाए। तो दोस्तों भारत सरकार में कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके तहत साइबर क्राइम को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। साइबर क्राइम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको MPPSC में काम आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो पर बने रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सी बैंड, सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी कि बैंड क्या होता है। बैंड का मतलब होता है ऐसी पट्टी, अगर कोई पट्टी है तो उसको बोलेंगे हम ये बैंड है। जैसे फ्रेंडशिप बैंड आपने सुना होगा दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट करते थे, पता नहीं अभी लॉकडाउन में कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों सी बैंड जो होता है, जो फ्रेंडशिप बैंड होता है उसको हम हाथ में लगाते हैं, वैसे सी बैंड जो होता है वो नेटवर्किंग में होता है। मतलब कि डेटा को भेजने के लिए एक प्रकार का बैंड होता है जिसमें डेटा का संप्रेषण किया जाता है, मतलब एक प्रकार का चैनल होता है। तो वो चैनल जो होता है दोस्तों, वो 6 GHz की फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो व्याख्या को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। सी बैंड प्रेषण में डेटा 6 GHz आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का ट्रांसपॉन्डर इसे 4 GHz आवृत्ति पर वापस भेजता है। मतलब कि जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो हम संचार माध्यम का यूज़ करते हैं उसे सी बैंड कहा जाता है। और सी बैंड जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर क्या होता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका सैटेलाइट है। सैटेलाइट है दोस्तों, तो हमने कोई सिग्नल को सैटेलाइट को भेजा। अब दूसरा सैटेलाइट यहाँ पर है दोस्तों, तो ये सैटेलाइट से ये सैटेलाइट तक जब सिग्नल भेजे जाएंगे दोस्तों, तो इतनी दूरी तक सिग्नल नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में बीच में कुछ हम ट्रांसपोंडर लगाते हैं दोस्तों। तो जो ट्रांसपोंडर होते हैं वो सिग्नलों को रीजनरेट करने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसपोंडर जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, उन सिग्नलों को रिसीव करके पृथ्वी पर 4 GHz की फ्रिक्वेंसी से भेजते हैं। इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सिग्नल की शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो सिग्नल होते हैं वो लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि लंबी दूरी के संचार के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों रिपीटर, राउटर, गेटवे, स्विच। तो मैं इनके चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ दोस्तों। रिपीटर का मतलब होता है प्रवर्धक। तो जब लंबी केबल का यूज़ करते हैं हम, तो सिग्नल जो है वीक हो जाते हैं, तो बीच बीच में क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। तो वो रिपीटर सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। राउटर जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर किया जाता है। ये जो राउटर का मतलब ही होता है दोस्तों, राउटर को जब आप किसी कागज पर लिखोगे दोस्तों, तो ये रूट शब्द से बना है। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो राउटर जो होता है दोस्तों, वो रास्ता बताने वाला उपकरण होता है, जो नेटवर्क में डेटा को किस रास्ते से होकर जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, वो बताता है दोस्तों। इसके बाद में गेटवे की बात करें दोस्तों, तो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है। और स्विच जो होता है वो हब का भाई होता है, मतलब कि इस तक आने वाले सिग्नल को एप्रोप्रिएट कंप्यूटर को पहुंचाता है। तो दोस्तों सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल फोकस करना है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है, स्वान का फुल फॉर्म ही होता है दोस्तों स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क भी नहीं होता, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क भी नहीं होता और सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क भी नहीं होता। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे डिस्कस करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो दोस्तों इंटरनेट, इंटरनेट किसी कंपनी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। बात करूंगा लोकल एरिया नेटवर्क की, तो ये किसी कमरे में प्रयोग किया जाता है, ये कंपनी में प्रयोग नहीं किया जाता। वाइड एरिया नेटवर्क की, तो ये विश्व स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ये किसी कंपनी के लिमिटेशन में नहीं रहता। और बात करूंगा दोस्तों अर्पानेट की, तो अर्पानेट जो होता है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। तो सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, किसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में, तो एक ही स्थान में बोले तो एक स्थान पर कौन सा नेटवर्क यूज होता है दोस्तों, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी कंपनी के एक ही स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसे किसी कमरे या बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम, 2G घोटाले के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री डी राजा का नाम सुना होगा आपने, जो 2016 के आसपास हुआ था दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो उसमें 2G के बारे में, जो 2G का मतलब होता है दोस्तों सेकेंड जनरेशन, तो ग्लोबल भी नहीं होता, गवर्नमेंट भी नहीं होता, जनरेशन होता है दोस्तों। और बात करेंगे हम गूगल की, तो गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, जिसे 1998 में डेवलप किया गया था। तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पे 2G का मतलब जनरेशन होता है। तो आप लोग 4G सिम यूज़ करते हैं दोस्तों और 3G भी करते हैं, तो वर्तमान समय में तो सभी के पास जियो आ गया है, तो 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर किया जाता है। तो दोस्तों लेन, वैन, मेन और वॉन। तो दोस्तों विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले नेटवर्क का नाम होता है वैन, जिसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल और मल्टीपल कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों, डेटा संप्रेषण, डेटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त इकाई है मेगाहर्ट्ज, संप्रतीक प्रति सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो दोस्तों बिट्स पर सेकेंड, BPS जो होती है वो डेटा संचारण की इकाई होती है, जिसका पूरा नाम बिट्स पर सेकेंड होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 23 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है। तो CDMA का पूरा नाम यहाँ पे आपको पहचानना है दोस्तों। तो पहला है कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA तकनीक का यूज दोस्तों इंटरनेट संचार में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की दोस्तों। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या संभव बनाती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फोन पर सिग्नल के प्रसारण को और लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार को और सैटेलाइट संचार को। तो दोस्तों उपकरण के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है कौन? ब्लूटूथ तकनीक। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्तों इंट्रानेट क्या है। तो इंट्रानेट क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, मतलब कि सूचना के ट्रांसफर के लिए आंतरिक नेटवर्क मतलब इंटरनल नेटवर्क। दूसरा है दोस्तों सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए यानी ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तीसरा है दोस्तों किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, मतलब किसी एक संस्था के अंदर के ही लोग जो है सूचना को ट्रांसफर करने के लिए इंट्रानेटवर्क का यूज करते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सी वाला ऑप्शन, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त इंटरनल नेटवर्क या आंतरिक नेटवर्क। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 26 पर डिस्कस करूंगा दोस्तों, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो लिंक, सर्वर, गेटवे और ब्रिज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गेटवे। गेटवे जो होता है दो नेटवर्कों को जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 होता है दोस्तों, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो दोस्तों
मेन फ्रेम, इसमें यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ पर इसको सेटल करना है। तो सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो मेन फ्रेम से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा दोस्तों, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान यानी नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। और सुपर कंप्यूटर और क्लाइंट जो होता है दोस्तों, वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं वो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों नेटवर्क, और सुपर कंप्यूटर क्लाइंट ये इसके राइट आंसर नहीं है। तो बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मेन फ्रेम के बारे में। तो मेन फ्रेम दोस्तों एक बड़े आकार का कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग वर्क स्टेशन और सुपर प्रयोगशालाओं में किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों इनका प्रयोग स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है, और क्लाइंट जो होता है दोस्तों वो इंटरनेट में जुड़ा हुआ प्रत्येक लोकल कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों वो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स यानी संसाधन प्रदान करते हैं। इसके बाद में बात करें रिसोर्स की, तो रिसोर्स का मतलब होता है दोस्तों संसाधन। जैसे नेटवर्क में अगर आपके पास 10 कंप्यूटर और एक प्रिंटर है तो प्रिंटर को हम रिसोर्स कह सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 28 पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग करता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क का प्रकार है दोस्तों जो किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने की सुविधा देता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट और हैकर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्स्ट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट के बाहरी लोगों को, बाहरी नेटवर्क को यूज़ करने देता है। इंटरनेट जो होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, और जो इंट्रानेट होता है वो बाहरी संस्था के लोगों को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों, एक नया वर्ड मिला है आपको, हैकर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैकर? तो दोस्तों हैकिंग का नाम आपने सुना होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पुराने समय में हैकर जो है वो कंप्यूटर के विद्वान लोगों को कहा जाता था, मतलब जिनको कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते थे उनको हैकर कहा जाता था। लेकिन आप सोचते हो कि हैकर तो बुरा होता है, तो दोस्तों वाकई में हैकर बुरा होता है। हैकर जो होता है वो इतना इंटेलिजेंट पर्सन होता है कि वो आपके कंप्यूटर में घुस के आपके कंप्यूटर की जानकारी को डिलीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, चुरा सकता है, इनक्रिप्ट कर सकता है, और आपको ही आपके कंप्यूटर को उपयोग करने की अथॉरिटी को रोक सकता है दोस्तों। तो हैकर इज़ ए पर्सन दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड आल्सो हार्मफुल फॉर अस एंड आवर कंप्यूटर्स। तो बात करें दोस्तों हैकर की, तो हैकर जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है, और ये जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए विनाशकारी होता है, मैलिशियस होता है। बात करते हैं दोस्तों 29 क्वेश्चन की। कंप्यूटर सिक्योरिटी भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है? नहीं दोस्तों, मॉडेम तो एक हार्डवेयर होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसके बाद मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है? नो दोस्तों, वोल्टेज को नहीं रोकता है, वोल्टेज का स्थायीकरण जो करता है वो होता है वोल्टेज कांस्टेंट, उसे कहते हैं दोस्तों वोल्टेज कांस्टेंट वाला एक अलग डिवाइस होती है दोस्तों। इसके बाद में मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, मतलब कि मॉडेम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर डी जो है वो राइट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करूंगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डेटा संचारित करने की अनुमति देता है? तो इनमें से आपको उस डिवाइस को पहचानना है जो टेलीफोन लाइनों का यूज़ करके डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की। तो कुंजी पटल जो होता है दोस्तों वो टेलीफोन लाइनों का यूज़ करके डेटा अंतरित करता है क्या? नहीं करता दोस्तों, उसमें तो सिंपल तार होता है। सीपीयू तो खुद ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बात करें मॉडेम की दोस्तों, तो मॉडेम जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइनों का यूज़ कर डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। और प्रिंटर जो होता है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस होती है जो डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट लेने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वह डिवाइस जो टेलीफोन लाइनों का यूज़ कर डेटा ट्रांसफर में मदद करता है वो होता है दोस्तों मॉडेम, और मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आपने दोस्तों साइंस में लाइट पढ़ा होगा, लाइट मतलब प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है, द टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज ए लाइट। तो दोस्तों जब
जब आप किसी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, जो लंब होता है, अभिलंब जो होता है, उससे प्रकाश किरण दूर हटती है। लेकिन दोस्तों जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी जो जो आपकी दोस्तों आपतित किरण होती है वो अपवर्तित होने की बजाय में क्या होती है दोस्तों, परावर्तित होने लगती है। मतलब जब आपकी प्रकाश किरण आपतन कोण का मान दोस्तों क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो लाइट किरण जो है वो पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण हीरा चमकता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर जब किसी सिग्नल को, लाइट वेव को आप एंटर करते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण दोस्तों लाइट सिग्नल या डेटा का बिल्कुल लॉस नहीं होता है। इस कारण दोस्तों आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है डेटा को बिना लॉस किए लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है। तो विश्व का 70% नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर पर डिपेंड है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों अपवर्तन या रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, ना ही प्रकीर्णन का किया जाता है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, और ना ही व्यतिकरण का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो मैं आपको साइंस भी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है दोस्तों, वो जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो लंबी दूरी तक उच्च गति से प्रकाशीय संकेतों का संचरण करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 32 की, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी कॉलेज परिसर या सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कंप्रेसर एरिया नेटवर्क और एक्स्ट्रानेट। तो दोस्तों किसी कॉलेज परिसर को कैंपस कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, वो मैंने जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते थे। तो इस तरह दोस्तों कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है वो किसी कॉलेज परिसर का सीमित नेटवर्क होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये दोनों प्रोसेस होती है दोस्तों जो मॉडेम करता है। और तीसरा इसका ऑप्शन है दोस्तों मॉड्यूलेटर डिस्कशन और उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 34 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, मतलब कि डेटा को सिग्नल्स में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन के माध्यम से संप्रेषित करती है, तो ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी डिवाइस को कहा जाता है चुंबकीय डिस्क, नहीं कहा जाता दोस्तों, चुंबकीय डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं कहा जाता दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं। और CD-ROM भी नहीं कहा जाता, CD-ROM भी स्टोरेज डिवाइस होती है। परंतु जो मॉडेम होती है दोस्तों वो ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को सिग्नल्स में परिवर्तित करती है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में बदलती है, और कंप्यूटर से डेटा को टर्मिनल और टर्मिनल से डेटा को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर पे भेजती है। इसके बाद में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों। व्याख्या जो होती है, मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर में नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर भेजती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है WLL का पूरा नाम क्या होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वॉकिंग लैंडलाइन भी नहीं होता, वर्किंग लूप लाइन भी नहीं होता, वायरलेस लैंडलाइन भी नहीं होता, वायरलेस इन लोकल लूप होता है दोस्तों। तो WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप होता है। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 35 का थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप होता है। यह एक स्थानीय यानी कि लोकल वायरलेस टेक्निक है जिसके द्वारा आवाज और डेटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों, इथरनेट क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, इथरनेट केबल जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल को कहा जाता है, और ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। मतलब इथरनेट एक छोटा नेटवर्क होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही होता है, इसीलिए उसे इथरनेट नेटवर्क भी कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क को ही इथरनेट नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें इथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है, और इथरनेट केबल यानी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है जिसमें दो तारों का यूज़ किया जाता है जो लड़कियों की चोटी की तरह होता है। इसके बाद मेन भी नहीं होता, वेन भी नहीं होता, और एक रसायन भी नहीं होता। इथरनेट को एक रसायन क्यों बोला है दोस्तों? क्योंकि इथर के बारे में आपने सुना होगा, जब इथर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, बाद में पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है?
छोटा सिंगल साइट नेटवर्क, मतलब कि एक छोटे एरिया में लेन, डीएसएल, रेम, यूएसबी एंड सीपीयू। तो लेन जो होता है दोस्तों वो सिंगल साइट नेटवर्क होता है जिसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें डेटा संचरण की गति 1000 Mbps होती है, मतलब कि एक सेकेंड में 1000 MB/s का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इसमें डेटा संचरण की गति सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से भी ज़्यादा होती है। बात करें दोस्तों DSL की, तो DSL एक प्रकार का मॉडेम होता है जिसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होता है, रेम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो बात करें लेन की, तो व्याख्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे भौतिक क्षेत्र आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है जो किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय क्षेत्र में काम करता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, ईथरनेट एक उदाहरण है मेन का, लेन का, वेन का, वाईफाई का। तो ईथरनेट जो है दोस्तों लेन का उदाहरण है, मैंने अभी अभी आपको बताया है 2 मिनट पहले कि लेन जो होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें कि ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है, जिसे ईथरनेट केबल भी कहा जाता है। इस कारण लोकल एरिया नेटवर्क को ईथरनेट नेटवर्क भी कहा जाता है। और दोस्तों इस तरह मेरा वीडियो कम्प्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट के द्वारा अपने वैल्यूएबल ओपिनियंस को मुझसे शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं दोस्तों लाइक करें हमारे वीडियोस को, कमेंट करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको परीक्षा मंथन के पूरे टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।